पूरा हाथ उठाइए सर को बहुत बहुत बधाई सर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार पुलिस लगातार लोगों की मदद करने में जुटी है। इसी क्रम में पुलिस ने लगातार विशेष अभियान चलाकर 16.5 लाख के मोबाइल बरामद किए और 57 लोग जिनसे ये मोबाइल छीने गए थे, लूटे गए थे, चोरी हुए थे, उन्हें लौटा दिए हैं। किस तरीके से उन्हें दिए गए हैं आप तस्वीरों को देख सकते हैं, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को थैंक यू कहा है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि अगर आपका मोबाइल फ़ोन खो जाता है और पुलिस उसे ढूंढ के दे दे तो कितनी खुशी होती है, ये आप सोच सकते हैं। 6 महीने और साल भर पहले खोए मोबाइल फ़ोनों को पुलिस ने बरामद कर लिया। विशेष टीम बनाई गई थी बिहार के समस्तीपुर ज़िले में। समस्तीपुर पुलिस लगातार इस कार्य में जुटी हुई है और 5वीं बार लोगों को फ़ोन लौटाया गया है। अब तक 350 लोगों से अधिक लोगों को फ़ोन दिया गया है, तो 5वें फेज में 57 लोगों को फ़ोन दिया गया है, और जिसके बाद लोगों के चेहरे पर खिल उठे लोगों के चेहरे। और SP विनय तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं सभी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। मोबाइल बरामदगी अभियान जो समस्तीपुर पुलिस का चल रहा है उसका फेज 5 आज समाप्त हुआ है, और अप्रैल माह में चलाए गए फेज 5 में कुल 16.5 लाख रुपये के 57 मोबाइल बरामद किए हैं। हम लोगों ने पहले 5 टीम बनाई थी, वही 5ों टीम कार्य कर रही हैं। इन 5ों टीम में नए सब इंस्पेक्टर्स को लगाया गया था और ट्रेनिंग के पर्पज़ से हमारे प्रोफेशनल सब इंस्पेक्टर्स को भी इसमें लगाया गया है, जिनको टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज भी हो और वो सीख भी सकें ताकि उनके आगे कार्य में भी सहयोग मिले। और साथ ही हमारी जो मोबाइल बरामदी का अभियान है ये लगातार सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए 5 टीमें अलग अलग कार्य कर रही हैं। मोबाइल रिकवरी टीम 1 ने 14 मोबाइल, टीम 2 ने 15 मोबाइल, टीम 3 ने 6 मोबाइल, टीम 4 ने 15 मोबाइल और टीम 5 ने 7 मोबाइल। तो कुल हम लोगों ने इस बार 57 मोबाइल बरामद किए हैं 16.5 लाख रुपये के, और इन सब मोबाइल को वेरीफाई करते हुए जो भी मोबाइल बरामद हुए हैं इनके धारकों को आज दिया जा रहा है और 5वां फेज समाप्त हो रहा है। कल से हम लोग 6ठे फेज की शुरुआत करेंगे और मैं टीम से उम्मीद करूंगा कि ये अभियान लगातार इसी प्रकार चलता रहे और अधिक से अधिक इसमें बरामदगी हो सके। तो आपने सुना कि SP विनय तिवारी ने पूरे बारे में जानकारी दी है। दरअसल स्पेशल टीम का गठन किया गया है समस्तीपुर जिले में, जिसके बाद विशेष अभियान चलाकर जगह जगह जो जिनके फ़ोन छीने गए हैं, लूटे गए हैं, उनके फ़ोन बरामदगी को लेकर विशेष टीम कार्रवाई कर रही है, और 350 से अधिक लोगों को अब तक फ़ोन लौटा चुकी है। 57 लोगों को फ़ोन लौटाया गया, जिसके बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई और लोगों ने पुलिस को थैंक यू कहा है। तो DGP RS भट्टी की पुलिस लगातार इसमें प्रयासरत है और लोगों के फ़ोन लौटा रही है। तो आप सोच सकते हैं अगर आपका फ़ोन चोरी या गायब हो जाता है या कोई लूट लेता है और पुलिस उसे खोज कर दे दे तो कितनी खुशी होती है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो ऐसी ही खुशी लोगों को हुई है, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को थैंक यू भी कहा है। जिसके बाद तस्वीरों को देखिए किस तरीके से लोग सेल्फी भी ले रहे हैं खूब, जब फ़ोन मिल जाता है तो लोगों को काफ़ी खुशी है। 57 फ़ोन को पुलिस ने बरामद किया है और 16.5 लाख के ये फ़ोन थे। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।